हम इस वक्त मौजूद हैं हरिद्वार में, और हरिद्वार में इस टाइम ये शोभा यात्रा निकल रही है। आज कुंभ का शाही स्नान का दिन है और आप देख रहे हैं कि ये शोभा यात्रा निकल के सीधा हर की पौड़ी जाएगी और किस तरह से भव्य और दिव्य ये शोभा यात्रा दिख रही है। सभी साधु संत अपने अपने बग्घियों पर सवार होकर हरिद्वार की इन सड़कों से होते हुए और हर की पौड़ी पर निकल रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं चूना अखाड़ा हमारे साथ मौजूद जो हैं इस वक्त हैं किन्नर अखाड़ा, उनकी महंत हमारे साथ हैं। और इस टाइम कुछ कुंभ में जो सबसे ज़्यादा इस टाइम आकर्षण का केंद्र है वो है ये किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा की महंत हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या क्या इनका आज का वो प्रोग्राम रहेगा। आज किस तरह का आपका रहेगा ये स्नान करने जाने का, किस तरह का स्नान करने जाने का, किस तरह का रहेगा? शाही स्नान है आज, आज का शाही स्नान है। हम चूना अखाड़े के साथ शाही स्नान किन्नर अखाड़ा 2019 में अनुबंध हुआ है। हम चूना अखाड़े के साथ स्नान करते हैं। आज भव्य तरीके से किन्नर अखाड़े का स्नान हो रहा है। आप देख रहे दोनों निशान, हमारे दोनों ध्वज चल रहे हैं, हमारे देवता हैं पालकी में, और सारे प्रमुख महामंडलेश्वर सभी आए हुए हैं। करोना काल है क्योंकि इसके लिए बहुत संख्या में किन्नरों को हमने मना किया था, क्योंकि सारी चीज़ों का देखना है कि करोना काल में हमें अपना बचाव करना है। आज आप लोगों के ज़रिए से, आप सभी लोग जो अपने घर में से देख रहे हैं, कुंभ धन्य है। इतिहास रचा जा रहा है हरिद्वार में, और हर की पौड़ी में आप देखेंगे कैसे किन्नर अखाड़ा डुबकी लगाता है। आज सबसे ज़्यादा जो आप इस टाइम से इस कुंभ में जो है सबसे ज़्यादा किन्नर अखाड़े का आकर्षण का केंद्र है, किस तरह से उसको देखते हैं? सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र किन्नर अखाड़ा रहा है इस बार कुंभ में। हाँ, ये हमारा धन्य भाग है कि किन्नर अखाड़े को लोगों ने बहुत प्रेम प्यार और सम्मान दिया। अनुकंपा है महाकाल की, मेरे शिव बाबा की, कि जो लूटी हुई गरिमा थी वो वापस स्थापित हुई है। तो ये हमारे साथ थी किन्नर अखाड़ा की महंत, और ये अभी शोभा यात्रा हर की पौड़ी पहुँचेगी और आज जो शाही स्नान है उसमें वो भाग लेगी। अधीर यादव, हरिद्वार, न्यूज़ 24।